हेलो दोस्तों, मैं रोशन आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे और आपके कुकिंग चैनल बनाओ और खिलाओ में। दोस्तों आज की रेसिपी है वेज सेजवान राइस की और एकदम सिंपल रेसिपी है, एकदम इजीली आप अपने घर में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं कैसे बनेगी सेजवान राइस। ये मैंने सब्जियाँ ले ली हैं, ये पत्ता गोभी चॉप की हुई लंबी लंबी, और ये गाजर है इसे भी चॉप कर लेना लंबा, और ये शिमला मिर्च है इसे भी आपको लंबे लंबे चॉप कर लेने हैं। ये अदरक है कद्दूकस किया हुआ, ये लहसुन है इसे मैंने चॉप कर लिया है बारीक एकदम, ये पनीर के क्यूब्स हैं इसे मैंने क्यूब्स में काट लिए हैं, ये हरे मटर हैं, और ये स्प्रिंग अनियन के अनियन हैं जिसे मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं, और ये अनियन है, प्याज हैं, एक छोटा प्याज मैंने रफली स्लाइस कर ली है, और ये स्प्रिंग अनियंस हैं। ये सारी सब्जियां आपको ले ली हैं, और ये राइस है मैंने इसे बॉईल कर लिया है। आपके घर में अगर बची हुई राइस है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है, 2 से 3 चम्मच ऑयल ले लिया है मैंने। अब इसमें मैं चॉप लहसुन डाल दूंगा आधा चम्मच ही मैंने कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दिया है, थोड़ा सा प्याज डालना है आपको, और ये स्प्रिंग अनियन के अनियन है ये भी थोड़ा सा आपको डाल देना है। अब गाजर डाल दूंगा इसमें मैं, शिमला मिर्च डाल दूंगा, और ये पत्ता गोभी डाल देनी है। अब इसे मैं 1 मिनट तक टोस्ट करूंगा, और आपको इसे हाई फ्लेम पे ही पकाना है क्योंकि चाइनीज खाना हाई फ्लेम पे ही पकता है। तो 1 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे 1 मिनट पका लिया है। अब इसमें मैंने मटर डाल दिए हैं, माफ कीजिएगा मटर डालते समय मेरा वीडियो शूट नहीं कर पाया मैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ, बट आपको मटर डालना है। उसके बाद मैंने पनीर के टुकड़े डाल दिए हैं और 30 सेकेंड तक पकाया है। उसके बाद आपके पास जो राइस है वो राइस इसमें डाल देना है आपको। उसके बाद आपको ग्रीन चिली सॉस डालना है, 2 चम्मच मैंने ग्रीन चिली सॉस डाली है, एंजिनो मोटो डालना है, अगर आपको रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर चाहिए तो आपको एंजिनो मोटो डालना पड़ेगा, 1 चम्मच सेजवान की चटनी, 1 चम्मच सेजवान राइस मसाला, और इसे मैं टोस्ट करूंगा। अब लगभग मैं इसे 1 से 1.5 मिनट और पकाऊंगा, तो मैंने इसे 1 मिनट के लिए और टोस्ट कर लिया। अब इसमें मैं स्प्रिंग अनियंस डालूंगा, स्प्रिंग अनियन डालने के बाद आपको फिर से 30 सेकेंड तक इसे मिलाना है और पकाना है। उसके बाद तैयार है आपकी वेज सेजवान राइस। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप अपने घरों में इसे एक बार जरूर ट्राई करेंगे। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ना, और घंटी जरूर बजा दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा आप सभी से एक नए वीडियो एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।